आज हम आपको दिखाएंगे कि आज के ये दुनिया मेडिकल साइंस में कितना तरक्की कर चुका है और बताएंगे कुछ ऐसे शख्स के बारे में जिसे देखकर और सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा। तो शुरू करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब लड़के बन सकते हैं माँ और लड़कियाँ बन सकती है बाप, क्या चौंक गए ना? पूरा वीडियो जरूर देखना, और भी हिला देने वाले बात सामने आएंगे। भगवान किसी को मेल और किसी को फीमेल बनाया, लेकिन किसी को यह पसंद नहीं होता, इसलिए वह सोचते हैं कि काश मैं अपोजिट जेंडर का होता। तो वैसे लोग आज के टाइम में जेंडर चेंज करवा सकते, और जो लोग जेंडर चेंज करवाते हैं उसे ट्रांसजेंडर कहते हैं। इंडिया में इसका ज्यादा चलन नहीं है, लेकिन अमेरिका में 1.4 मिलियन से भी ज्यादा लोग ट्रांसजेंडर हैं। लड़का हो या लड़की, दोनों ही जेंडर चेंज करवा सकते हैं। तो आज हम इसी तरह के इंडियन, अमेरिकन और कई देशों के ऐसे ही ट्रांसजेंडर को दिखाएंगे। इसमें तो कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी शामिल है जो पहले थे लड़के, अब बन गई है लड़की। तो पहले बात करते हैं अमेरिका के रहने वाले जेमी विल्सन के बारे में। अगर आप उनके मस्कुलर बॉडी को देखेंगे तो आपको अपने आंखों में यकीन ही नहीं होगा कि वह कभी लड़की हुआ करती थी, लेकिन जब वह फीमेल हुआ करती थी तो उसे मेल की बॉडी बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती। इसलिए उन्होंने 2015 में खुद को एक मेल में बदलने का डिसीजन लिया। उन्होंने शुरू में अपने बाल छोटे करवाए और जेंट्स की तरह कपड़े पहनने लगे, फिर टेस्टोस्टेरोन ट्रीटमेंट करवाया। टेस्टोस्टेरोन एक ऐसा हार्मोन है जिसके वजह से मेल के बॉडी में ज्यादा हेयर होते हैं। उसके बाद उन्होंने हार्ड वर्क किया और अपने आप को एक मस्कुलर मैन में बदल लिया। सेकंड बात करते हैं बॉबी डार्लिंग के बारे में। बॉलीवुड इंडस्ट्री में बॉबी डार्लिंग के नाम से मशहूर ये एक्ट्रेस और मॉडल असल में पंकज शर्मा थी। उनका जन्म एक लड़के के रूप में हुआ था और घर वालों ने उनका नाम पंकज रखा था। हालांकि साल 2010 में उन्होंने अपना जेंडर चेंज करवा लिया और पंकज से अपना नाम पाखी रख लिया। फिर कुछ समय बाद उन्होंने अपना नाम बॉबी डार्लिंग कर लिया। थर्ड, गौरी अरोड़ा। इंडस्ट्री में गौरी अरोड़ा के नाम से फेमस ये मॉडल भी जेंडर चेंज करवा चुकी है। गौरी अरोड़ा बनने से पहले वह गौरव अरोड़ा थे। वह स्पेशलिस्ट सविला सीजन 8 के कंटेस्टेंट रह चुके हैं। उन्होंने जब सेक्स चेंज करवाया तो वह काफी सुर्खियों में आए थे। गौरव एक बेहद ही हैंडसम लड़के थे, लेकिन गौरी बनने के बाद वह एक खूबसूरत लड़की बन गए। एक इंटरव्यू में उन्होंने खुलासा किया था कि बचपन से ही उन्होंने औरत जैसा महसूस किया। इसके बाद उन्होंने फैसला किया कि अब वह एक औरत की तरह ही अपनी बाकी जिंदगी बिताएंगे। फोर्थ बात करते हैं सीनिता सांगा। ब्रिटिश इंडियन मॉडल सीनिता सांगा भी जेंडर चेंज करवा चुकी है। वह साउथ एशियन की फेमस ट्रांसजेंडर मॉडल है। ट्रांसजेंडर कम्युनिटी द ऑर्गेनाइज की हुई ब्यूटी पेजेंट्स में वह हिस्सा ले चुकी है। उनकी खूबसूरती के लोग दीवाने हैं। वह मिस ग्लैमरे क्वीन यूनाइटेड किंगडम भी रह चुकी है। उन्हें काफी कामयाब ट्रांसजेंडर मॉडल माना जाता है। फिफ्थ बात करते हैं निक्की चावला। निक्की भी उन लोगों में शामिल है जिनका जन्म एक मर्द के रूप में हुआ था, लेकिन फिर उन्होंने औरत के रूप में खुद को ढाल लिया। निक्की का कहना था कि वह अपने इस जिस्म से परेशान हो चुके थे और औरत बनना चाहते थे। हालांकि जिस तरह की फैमिली से उनका संबंध था उसमें यह सब करना आसान नहीं था। साल 2009 में उन्होंने परिवार के खिलाफ जाकर सेक्स चेंज करवाया था। वह टीवी के फेमस शो इमोशनल अत्याचार में नजर आ चुके। इसी तरह नेपाल के एक गांव में नवीन वाहिबा का जन्म हुआ था जो कि एक पुरुष था। अपनी पहचान को लेकर दुविधा में रहने वाले इस शख्स ने भी सेक्स चेंज ऑपरेशन कर खुद को अंजलि बना लिया। उनके इस फैसले से उनके परिवार ने उनका साथ छोड़ दिया, लेकिन उनकी माँ ने उनका साथ नहीं छोड़ा। और हाल ही में एक बात सामने आई कि अमेरिका के एक ट्रांसजेंडर ने एक बच्चे को जन्म दिया। उस ट्रांसजेंडर का नाम केली सिविलियन है। आज के टाइम में मानता हूँ कि जेंडर चेंज करवाना मुमकिन है, लेकिन कोई भी इसे शौक से नहीं करवाना चाहता। वह जेंडर इसलिए चेंज करवाते हैं क्योंकि उसे वह अवस्था सुटेबल नहीं लगती। यानी बोले तो वह लड़की के वेश में लड़के वाला व्यवहार करते हैं, या फिर लड़के के वेश में लड़की वाला व्यवहार, जिससे समाज में वह खुल के नहीं जी पाते हैं। इसलिए वह जेंडर चेंज करवाते हैं और वह एक इज्जत भरी जिंदगी जी पाते। तो कैसी लगी यह वीडियो कमेंट जरूर करना, और हाँ, साथ ही यदि आपको लगे कि कुछ सुधार होना चाहिए या आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो इसके लिए भी कमेंट जरूर करिए। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।